लाख रुपए दो जब बनाओ। ये किसने कहा आपको? अनिल दुबे ने। लाख रुपए दो जब बनाओ। किसको देना लाख रुपया? कभी 50,000 रुपए। अभी आपके पास रहने के लिए कुछ जगह? अब जगह कुछ नहीं है, यही था सारा कुछ आपका सामान। ऐसी नहीं रहते हम, यही सारा तब क्या सिर्फ सुन रहे हैं कि जगह तुम घर बनाओगे तो पहले लाख रुपए दो तब घर आने वाले। तो कहां में हमें मकान मालिक हो रहा है, दुकानदार को किराया रोक तो मैं मकान मालिक के साथ घर का बाहर निकल। अरे डालेंगे उन्हीं का वोट डालेंगे, और किसी को नहीं दिए, वो खुद ही हाथ जोड़ के रास्ता में खड़े हैं। मेरा वोट इसीलिए मेरा वोट दिखाइए। आपको कैसे कह सकते हैं? अरे आइए रोड पे आकर बोले नीतियां, हालांकि इन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी वाला कारोबार होता वो नहीं किया हुआ। इनका दावा यही है कि हमने खरीदी हुई है। क्या आपके पास सारे कागजात वगैरह दिखाए थे प्रशासन को? किसी को दिखाए थे? क्या कहा उन्होंने? क्या किसी अधिकारी का नाम पता? आपको कुछ सूचित नहीं किया? वहाँ पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, नहीं सूचित कुछ नहीं किया पुलिस वाला। महिलाओं द्वारा जो उस आरोप लगाए जा रहे पूरे पार्षद के ऊपर, हालांकि उनकी जो वाइफ है यहाँ से जीत चुकी है और इनका पूरा दावा है कि हमने वोट के दौरान जैसे उन्होंने हमारे घर घर आके कैंपेनिंग की थी तो उसको लेकर हमने वहाँ पर वोट। देख रहे तमाम दर्शकों का इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ के गाँव दरिया में। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन हरकत में आया हुआ, पीला पंजा घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या नाम है जी आपका? मेरा सर हीरावती नाम। हीरावती जी, क्या आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और मकान को क्या समस्या आ रही है आपको? सर ऐसे मैं तो अपने घर पे थी, यहाँ पे एकदम दोपहर को सारी प्रशासन आई है, फोर्स लेके आए थे ये लोग, JCB लेके आए और आके इन्होंने सारा तोड़ना शुरू कर दिया। सर उनसे सवाल किया गया भी आप क्यों, हम आगे जा रहे हैं तो आगे नहीं जाने दे रहे हैं, वो पकड़ के सारे साइड में कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया सर आपने कोई नोटिस दिया है, कुछ भी दिया है, आप कैसे तोड़ सकते हो इसको? कह रहे जी हमारे को पीछे से प्रेशर है। अरे किसका प्रेशर है आप बताइए? तो कह रहे कि नहीं हमारे को तो पीछे से प्रेशर है। किसका है जी? अनिल दुबे जी का। ठीक है, उसके बाद सर उनको जब यहाँ से दिक्कत है तो एग्रीकल्चर दड़वा पूरा ही टोटल है, उसमें 70-75 घर होंगे जो रेड लाइन के अंदर होंगे। सर उनको छोड़ के बाकी सारा तुड़वा दो। एग्रीकल्चर अब ये इतना टुकड़ा थोड़ी रह गया है, इसमें इतने में आप तुड़वा रहे हो, उसमें आपका क्या जा रहा है और प्रशासन का क्या जा रहा है? सर गरीब बंदा मारा जा रहा है इसमें। ठीक है, या तो आप इलेक्शन से पहले इस चीज को कहते हैं कि आप मुझे वोट मत डालना, आप मुझे वोट डालोगे मैं वोट जीतने के बाद आपका सारा एरिया तुड़वा दूंगा। पब्लिक रात दिन उनके साथ एक किया, इसलिए किया कि चलो हमारे अनिल दुबे जी आ जाएंगे, आने के बाद ही हमारी कुछ समस्या दूर करेंगे। पर सर इन्होंने तो समस्या हद से ज्यादा बढ़ा दी है। पानी का है, अब सर इनको पानी, अभी थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले ये आए थे पानी का टारगेट लेके कि हमने 18 वाली गली का पानी कटवाना है, वहाँ बाल लगाना है। सर वहाँ पे 1-2 कनेक्शन है, लोग पानी इतने कितने घर है, 250-300 घर है, आप देख सकते हैं पूरी लाइन में। और वो भी इन्होंने कहा कि हम इसमें बाल लगाएंगे। सर नहीं, हमने कहा सर बाल मत लगाओ, रिक्वेस्ट करी इन्होंने, इन्होंने वो भी छोड़ दिया। अभी 10 दिन पहले, हफ्ता पहले ही, 4-5 दिन हुए हैं मेरे ख्याल, पिछले शुक्रवार की बात है, कल 8 दिन होंगे जस्ट। इन्होंने 1 नंबर गेट पे सारा कनेक्शन खुदवा दिया, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं पब्लिक। सर बताइए कि आप काउंसलर इसलिए इनकी वाइफ नहीं बनाई है हम लोगों ने, बिमला दुबे जी इसलिए नहीं जिताई है हम लोगों ने, पब्लिक ने। क्या पब्लिक ने किस लिए जिताई है बिमला दुबे? अपने सुविधा के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि ये इस तरह एग्रीकल्चर लैंड इनको ये दिख रही है तो सर वो क्यों नहीं दिख रही? वो चीज भी इनको दिखानी चाहिए। पूरा दड़वा इनको तोड़वाना, कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक तरफ से दड़वे पे JCB फिरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हमारे दिल में तसल्ली हो जाएगी ना कि सर ये एग्रीकल्चर है तो वो भी एग्रीकल्चर है। मकान है ये भी सारे सर टोटली 70-72 घर है जो रेड लाइन के अंदर है, उसके बाद पूरा जितने टोटल दड़वे के अंदर होटल है वो सारे रेड लाइन के बाहर है। एग्रीकल्चर में जितनी कोठियाँ बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े नेताओं के, वो सब इनका खुद का प्लाट भी है यहाँ पर। 1 नंबर गेट बोलना सर, और 1 नंबर गेट पे आप ये लगा लो कि जब इतने मरले का 87 कमरे का बेसमेंट सेल कम नहीं होता है, वो जब वो भी एग्रीकल्चर पे बेसमेंट अलाउड कहाँ है? कौन सी प्रशासन ने बेसमेंट अलाउड किया है जिसपे काम चल रहा है? किसका है? जब खाली करके अब ये लोग रहेंगे कहाँ जिनका? सर अब ये बिमला दुबे जी के घर जाएंगे, वहाँ पे उनके सामने उनके घर के आगे बिस्तर डलवाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब उनके घर टूटेंगे तो वहीं जाएंगे। हमने हमारी काउंसलर को वो है ना झोंपड़ी डाला है यहाँ पे, हाँ जी सारा सामान दबा दिया है अंदर, उसके कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया, सीधी JCB डाल दी है उन्होंने, एकदम डला दिया सारा सामान उसका, दब गया। लेडीज का आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, उसके बच्चों का कितना बुरा हाल है। एक एक रुपया उसने जोड़कर और मतलब अपना आज ये चार दीवारी खड़ी करी और उसके ऊपर आप बिल्डोजर चढ़ा देते हो तो सर तकलीफ तो होगी, हर किसी को तकलीफ होगी उस चीज की। और जब मालिकों का कोई बात है, जो भी प्रॉब्लम है वो सर आपस में बैठ के, लेकिन गरीब बंदे का नुकसान नहीं करना चाहिए। इनको ये चीज बड़ी बात है कि मकान ये खरीदे हुए, हाँ जी हाँ जी, पूरा दड़वा खरीदा हुआ है सर, यही नहीं यही जमीन नहीं खरीदी हुई, पूरा दड़वा बेचा हुआ है। या तो इन लोगों को उस टाइम ही रोकना था जिस टाइम दड़वा बस रहा था, आपने क्यों सेल करने दिया? और आपने इलेक्शन से पहले ये चीज क्यों बोली कि मैं वादा कर रहा हूँ? इन्होंने खुद मीटिंग में, इनकी वीडियो पड़ी आज तक हमारे पास, इन्होंने ये कहा कि मैं वादा करके जा रहा हूँ, आप मेरे को जिताइए, एक बार मौका दीजिए और आपका एक मकान, पानी, बिजली जो भी सुविधा होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज कहाँ गए? आज ऐसा वीडियो, हाँ सर वीडियो भी देंगे इनकी, हम वीडियो में देंगे वीडियो इनकी जो इन्होंने यहाँ मीटिंगें करी है। अब तो लाइट भी देखो, पानी का भी टारगेट इनका देखो सर। जो इनके बंदे हैं, इनके बंदे सरेआम मकान बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मरले जमीन ले लेके बेच रहे हैं इनके बंदे, एक नंबर गली में भी, बीच में भी। मैं आपको सब मुआना करवा सकती हूँ कहाँ का प्लाट बिक रहे हैं और बिक के सेल हो रहे हैं, वहाँ पे बुस्टर की लाइन भी जुड़वा दी है लोगों ने। इसका मतलब इनके जो बंदे होंगे सर वही मतलब जिएंगे और वही डरवे के अंदर रहेंगे, मतलब जो इनकी बात नहीं मानेंगे वो नहीं रहेंगे। इसका तो मतलब यही हो गया ना। यहाँ पे तुम मकान नहीं बनने दे रहे लोगों के, तुम बुस्टर की लाइने जुड़वा रहे हो, क्या तरीका है? ये चीज तो इनको देखनी चाहिए। हमने इसलिए थोड़ी जिताया, पानी जा रहा है गोडाम को, पानी जा रहा है, सारे गोदाम है देखो, वहाँ पे देखो, 1 नंबर गेट पे 7-8 कनेक्शन काटे गए थे सर। वो दिन में कनेक्शन काटे गए, रात को सारे पैसे ले लेके जुड़वा दिए वो कनेक्शन, और प्राइवेट प्लम्बर सारे जोड़ देते हैं रात को कनेक्शन। मिली भगत से ही हो रहा है ना ये। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो एकत्रित हो रखी, यहाँ पर इकट्ठी हो रखी भारी तादाद में, कि इनका यही दावा है, इस बात की चैनल पुष्टि नहीं करता, इनका यही दावा है कि जो भी यहाँ पर मकान है सारे खरीदे हुए सबसे। हालांकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है या प्रशासन को कोशिश करी? सर इनके डॉक्यूमेंट सारे हैं हमारे पास, जो उनके डॉक्यूमेंट है, पंचायत कल्चर जैसे पीछे है वैसे ही है। और इसकी सर रजिस्ट्री हो रखी है, कोई ये थोड़ी है कि सामलाट जमीन है या पंचायती जमीन है या गवर्नमेंट की जमीन है। क्वार कर सकते हो, जब गवर्नमेंट की जमीन होगी, पंचायती जमीन होगी तभी क्वार कर सकती है गवर्नमेंट, उसी में प्रशासन जोर कर सकती है ना। ये तो रजिस्ट्री की जमीन है, इसमें किसी का क्या दावा है? चलो ठीक है, जमींदार बेच रहे हैं, आम पब्लिक थोड़ा सस्ते रेट में मिल रही है, हर इंसान चाहता है अपना किराया बचे और थोड़ी सी छत बच्चों को मिल जाए, परिवार को मिल जाए। जिसने खरीदी थी क्या उसको मिलना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे सर, हम ऊपर अफसरों को भी मिलेंगे, डीसी ऑफिस को भी मिलेंगे, हम सारी जगह मिलेंगे। जहाँ जहाँ हमारे जितना नुकसान हुआ है हम उनको सारे बोलेंगे, जब हमारा नुकसान हुआ है तो सारी जगह नुकसान करो और यह हमारा हरजाना भरो। तो देख सकते हैं इन महिलाओं का कहना यही है कि अगर हमारा तोड़ा गया तो एग्रीकल्चर लैंड में आ रहा है, तो हम बताना चाहेंगे प्रशासन के साथ मिलकर जाएंगे। जो और भी एग्रीकल्चर लैंड में आ रही है तो उनको भी प्रशासन क्यों नहीं तोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ से कुलदीप सैनी की एक खास रिपोर्ट। हेलो, हाँ जी दुबे जी नमस्कार। हाँ जी पत्रकार कुलदीप सैनी बोल रहा हूँ जी, पब्लिक लाइव से जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, आज एक गैस कॉलोनी में कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो उस पर कुछ आरोप लगाए गए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो जी आप? किस चीज का आरोप? एक पार्षद, पूरा पार्षद का कहना है कि हमें पहले बताया जाएगा कि जो मकान बनाए जा रहे हैं 1 लाख रुपया देना पड़ेगा हमें, तब मकान बनाने दिया जाएगा। पहली बात तो ये भाई साहब की ये मकान बन ही नहीं सकते, जितना बन गया ये अनदेखी है प्रशासन की। चलो ठीक है, वो उसका रक्षा करना हमारा फर्ज है जी। लेकिन जो नया मकान है अभी बहुत लेटेस्ट एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जितनी सामलात जगह है, जो भी सामलात चाहे उसका कोई भी नेचर हो, कोई भी मतलब सामलात दे सामलात है या कोई और सामलात है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका नेचर नहीं चेंज होगा, उसपे कोई मकान नहीं बना सकता, उसपे कम्युनिटी सेंटर, ये स्कूल्स, डिस्पेंसरी या जो भी मतलब कम्युनिटी के लिए उसमें कोई बिल्डिंग बन सकती है जी जी जी। अब ये जो लोग हैं जो इनलीगल कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड चलो उनकी अपनी है वो बेच रहे हैं, हाँ जी, लेकिन जो सामलात जगह सरकारी जगह है, मैं वहाँ से काउंसलर हूँ, मेरी वाइफ है जी जी जी। तो मैंने लोगों से वादा किया कि हमें कहीं भी जगह मिलेगी तो हम उस पर ये चीजें हम बनाएंगे। तो मैंने कल डीसी साहब को ये लिखा था कि जो जिस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है जी, उन जगहों पे नई कंस्ट्रक्शन ना हो, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें जी। तो वो उसके उसमें भेजा होगा उन्होंने, तो किसी ने कहीं न्यू न्यू डाली होगी, मकान तो तोड़े ही नहीं है, न्यू जो नई अभी नया मकान बनाने की शुरुआत की है उसको उन्होंने रोका है जी जी जी। कोई मकान नहीं तोड़ा गया किसी का भी जी जी। तो मेरा मुझे कोई जगह ही नहीं है दड़वा में, तो मैंने कहा चलो अपना आप बेच रहे हो जो मर्जी करो, लेकिन जो साम्राज्य जगह है, जो सरकारी जगह है, अच्छा जो जो खरीदने वाले लोग हैं इनोसेंट, उनको पता ही नहीं है कि ये जो बेच के जा रहे हैं उसकी जगह उसकी पावर अटॉर्नी कराते हैं जाके राजपुरा में। अच्छा, यहाँ पे हाँ बिल्कुल, यहाँ तो रजिस्ट्री बंद है बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड की, उसकी भी तो इलीगल तरीके से जो ये इलीगल कारोबारी है, कॉलोनाइजर है, उनको तकलीफ हो रही है। वो अपने जो 10 एजेंट है उनसे अब ये कहना शुरू करवा दिया कि दुबे जी ने दुबे जी पैसा मांगते हैं, दुबे जी वो, हमारा कोई लेना देना इन चीजों से है नहीं ना, मैंने किसी से कभी जीवन में 1 रुपया लिया किसी इलीगल काम के लिए जी जी। तो वो तो आरोप लगाएंगे, हमने वो रोका है जो अनकंस्ट्रक्शन जगह है, जो जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उसको रोकने के लिए मैंने डीसी साहब से आग्रह किया कि हमें बहुत सारे काम करने, मैंने लिखा भी है उनको जी हाँ जी जी। उसमें उन्होंने संज्ञान लेके उस चीज को रोका है जी। ठीक है जी, हाँ भाई ये चीज ठीक है, ओके।